काफ़ी दिनों से मैंने YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि इधर मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी मतलब बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता इन सारी चीज़ों का। और अभी क्या है, मैं थोड़ा एग्ज़ाम से फ्री हो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं कोई नया कंटेंट ट्राई करता हूँ। तो मैंने सोचा कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ मेडिको मैं शूट करूँ। ये वीडियो जो है वो बाकी मेडिको यूट्यूबर्स के कंपैरिजन में थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि बाकी जो मेडिकोज़ हैं वो मोस्टली प्लान करके मतलब शेड्यूल में ही शूट करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं अभी उठा था तो आप देख ही सकते हैं मेरे जो उठने का टाइम है वो 9:05 है, तो मैंने 9 बजे का अलार्म लगाया था। मैंने अपने दोस्त को भी उठा दिया नींद से और वो भी अभी ब्रश कर रहा है, और तब तक मैं आपको हॉस्टल का दिखा देता हूँ क्या चल रहा है हॉस्टल में। सुबह का टाइम है तो हॉस्टल में कोई जगह नहीं रहता है, पूरा हॉस्टल सुनसान मिलेगा आपको, कुछ नहीं, नो मूवमेंट एट ऑल। और आज बारिश भी हुई थी। तो ये वॉश मशीन हो गया हमारा, और मिरर में आप देख सकते हैं कि मैं गिम्बल यूज़ करता हूँ फॉर वीडियो स्टेबलाइजेशन। और मेरा दोस्त भानु सुबह का ब्रेकफास्ट लेकर के आता हुआ, और ये रहा हमारा नाश्ता, पराठा है और भुजिया है। हमारे हॉस्टल के मेस में 3 टाइम का खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और इसका पर मंथ जो चार्ज है वो 3500 है। ब्रेकफास्ट करने के कुछ देर बाद मैंने सोचा कि अब नहा लिया जाए, तो हमारे हॉस्टल में गीज़र भी लगा हुआ है, तो जिसे गर्म पानी से नहाना होता है वो गर्म पानी से नहा लेता है। और ऐसे मौसम थोड़ा ठीक था, ठंडा का मौसम भी नहीं रहा, तो मैं अब नॉर्मल पानी से नहा लेता हूँ। शावर भी लगा हुआ है और पीछे जो है वो कपड़ा टांगने का भी स्पेस दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर IGIMS का जो बॉयज़ हॉस्टल है और उसका जो रूम टूर है वो सारा का सारा मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो आप चाहे तो जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। ओवरऑल फ्रेश होने के बाद हमने सोचा कि अब पढ़ लेना चाहिए। February 14 को हमारे कॉलेज कैंपस में सरस्वती पूजा को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हमारे ही बैच के द्वारा, तो उसके लिए हम सभी अभी डिपार्टमेंट को विजिट कर रहे हैं कलेक्शन के लिए। और अब वापस चलते हैं हॉस्टल की तरफ। तो ये रहा हमारे हॉस्टल का खाना, नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन बनाया है और वेजिटेरियंस के लिए मटर पनीर बनाया है। तो मैंने ये वीडियो बनाने से पहले काफ़ी सारे मेडिकोज़ का यूट्यूब चैनल जो है उसको विज़िट किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी ऐसा कंटेंट जो है वो देखने नहीं मिला। तो मैं पबजी भी खेलता हूँ, मतलब मैंने उस समय खाना खाया और उसके बाद मैं पबजी खेलने के लिए बैठा अपने दोस्तों के साथ, और मैं और भानु एक साथ पबजी खेलने बैठे, और इसमें 3 नंबर मैं हूँ और 4 नंबर मेरा दोस्त भानु ही है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मैं पबजी भी खेलता हूँ, मैं रेगुलर प्लेयर हूँ पबजी का, और मैं जनरली लिविक मैप में मैं मिडस्टेन उतरता हूँ, और इवेंट भी अभी मिडस्टेन में ही है। तो लैंड करते ही मुझे सामने एक नियत्ता बंदा देखा, तो मैंने उसे मार दिया, और सामने एक और बंदा मुझे दिख रहा था, इस बंदे पर भी अभी कोई गन नहीं था, तो मैंने इसका पीछा किया और इसे लास्टली मैंने नॉक कर दिया यहाँ पर मिडस्टेन की एक बिल्डिंग में आकर के। और यहाँ पर मैंने रिलोड किया, अभी मैं P90 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तुरंत ही मैंने लैंड किया है, तो मेरे पास अभी कोई और गन है नहीं। और सामने खिड़की से भी तुरंत एक बंदा जैसे आता है, उसने भी मुझे काफ़ी डैमेज दे दिया, तो मुझे अब मेडिकेट लगाना होगा। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली इन सारे क्लिप्स को रिकॉर्ड किया है, मतलब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं किया है, नहीं तो और अच्छी क्वालिटी में मैं आपको गेम प्ले दिखा सकता था। रिवाइव देने के बाद मैंने अपने टीममेट को मना किया 2 नंबर को कि ऊपर मत जाना, ऊपर बंदा है, लेकिन फिर भी वो चला गया, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया कि जो होगा देखा जाएगा। और एनिमी के सामने आया, एनिमी को नॉक कर दिया और तुरंत मैंने उसे फिनिश भी कर दिया ताकि रिवाइव करने का कोई चांस ना हो। और जनरली मैं क्लोज रेंज में AKM यूज़ करता हूँ। फिर इसके बाद सामने एक बंदा था, मैंने उस पर एक नेट फेंकने की कोशिश किया, लेकिन उसने भी सामने से आग खींचा हुआ था, उसने उस पर आग फेंक दिया, और मैं फिर यहाँ पर खड़ा होकर TPP लेने लग गया। वो जो बंदा है वो भी नीचे कूद गया और वो सामने आया, मैंने पीक करके उसे नॉक कर दिया। नॉक करते ही मैंने तुरंत उसे फिनिश भी कर दिया, और फिर बाहर से तुरंत फुट स्टेप आया, मैं तुरंत अंदर घुसा और तुरंत पीक करके तैयार हो गया कि कोई बंदा आएगा तो मैं उसे मार दूंगा, पर ये शायद से बॉट था। फिर हमने दूसरे घर पर रश किया, 1 नंबर के साथ मैंने रश किया, एक नॉक बंदा सामने पड़ा था, मैंने उसे फिनिश किया सबसे पहले, और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर गया एक बंदा पहले से रेडी था TVP लेकर के, उसने हम दोनों को नॉक कर दिया और सबसे पहले उसने मुझे ही फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली एक रिकॉल मिलता है, तो मैं बच गया, तो मैं वापस आऊँगा। और मैंने वापस भी आकर मिडस्टेन में ही लैंड किया, क्योंकि वहाँ पर लूट रखी थी, तो मैंने मिडस्टेन में लैंड करके और वापस मैं जोन की तरफ भागने लग गया।
मिड स्टैंड से निकलने के बाद हम लोग पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि जोन उधर ही था। तो पावर प्लांट के रास्ते में ही एक बंदे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था और वो सामने से आ रहा था, तो मैंने उसे फिनिश कर दिया। अब गेम में सिर्फ चार बंदे बाकी थे और एक टीम थी जिसमें तीन बंदे थे और एक अकेला बंदा था। तो सामने ही मुझे एक बंदा दिख जाता है और इसे मैं सबसे पहले UMP से नॉक करता हूँ और तुरंत में जा करके आगे इसको जा करके फिनिश करता हूँ ताकि ये तुरंत रिवाइव ना हो सके। और अपनी टीम में मैं अकेला ही बाकी था। इसके ऊपर दो टीममेट थे, वो भी मुझ पर रश कर देते हैं, तो मैं डैमेज देके पहले पीछे हटा और फिर मैंने उसे नॉक कर लिया। फिर ये भी हवाई फायरिंग करते हुए आया और इसको भी मैंने लपेट लिया। तो यहाँ पर हो गया 1v3 क्लच विदाउट गेटिंग अ सिंगल डैमेज। और अभी मेरे 11 किल हो गए थे, लास्ट सर्कल बाकी था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि लास्ट बंदा है कहाँ पर और कुछ पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन उसने मुझे देख लिया था और वो सैक के पीछे था और उसने मुझे मार दिया। तो चिकन डिनर तो नहीं हो पाया, लेकिन सेकंड किया मैंने विथ 11 किल्स। इसी के साथ मैं एस में भी आ गया। ओह माय गॉड, मुझे ये मेडल्स कब मिलेंगे? तो पबजी खेलने के बाद थोड़ा बहुत हमने रेस्ट किया और फिर रात हो गई थी, तो हमने रात का खाना खाया और उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद निकल गए थोड़ा सा सैर सपाटा के लिए। कॉलेज के बाहर ही चाय की दुकान है, तो हम लोग वहाँ जा कर के चाय पिए और फिर उसके बाद वापस आ कर के मैं सो गया। ये सब क्लिप्स मैंने ऐसे ही रैंडमली ऐड कर दिया है ताकि हमारा कॉलेज रात में कैसा दिखता है ये आप सभी देख सकें। ये लाइब्रेरी ब्लॉक था और इसके सामने ये हो गया हमारा एकेडमिक ब्लॉक, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और फिर सबसे लास्ट में है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। और रात में काफ़ी अच्छी लाइटिंग भी है हमारे कॉलेज की, काफ़ी सुंदर लगता है हमें। वीडियो अगर इंटरटेनिंग लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं कैसे कंटेंट को अपलोड करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइज़।